महादेव भगवान की प्रेम कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से जाना जाता है, और उनकी पत्नी पार्वती की प्रेम कहानी दिव्या प्रेम, त्याग और भक्ति की प्रेम कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय और स्थान से परे है, जो हमें प्रेम की शक्ति और विश्वास के महत्व के बारे में सिखाती है। कहानी पर्वत राजा हिमवान की बेटी पार्वती से शुरू होती है। पार्वती शिव से अत्यधिक प्रेम करती थी, जो तपस्वी देवता अपने ध्यान और भौतिक संसार से वैराग्य के लिए जाने जाते थे। अपनी सुंदरता और आकर्षण के बावजूद शिव सांसारिक मामलों से अलग और उदासीन रहे। शिव की उदासीनता से विचलित हुए बिना पार्वती ने उनका प्यार पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अपनी विलासिता पूर्ण जीवन शैली को त्याग दिया और पहाड़ों में रहकर फल और कंदमूल खाकर जीवित रही। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प ने शिव को प्रभावित किया और आखिर में वह उनके सामने प्रकट हुए। हालांकि शिव का ध्यान आकर्षित करने के बाद भी पार्वती को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, विवाह के लिए शिव की अनिच्छा। उनका मानना था कि शादी उन्हें बांध देगी और उनकी आध्यात्मिक गतिविधियों से उनका ध्यान भटका देगी, लेकिन पार्वती अविचल थी। वह अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करती रही, यह आशा करते हुए कि एक दिन शिव उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। पार्वती के टूट प्रेम से प्रभावित होकर शिव उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। उनका मिलन दो शक्तिशाली शक्तियों, शिव संहारक और पार्वती परमात्मा के पोषण पहलू के विलय का प्रतीक है। साथ में उन्होंने सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र का प्रतिनिधित्व किया। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी भी त्याग की कहानी है। पार्वती ने अपनी शाही जीवन शैली छोड़ दी और शिव का प्यार पाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। इसी तरह शिव, जो अपनी विरक्ति के लिए जाने जाते थे, उन्होंने पार्वती की खातिर स्वेच्छा से घरेलू जीवन अपनाया। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी एक कालजयी कहानी है, जो हमें प्रेम, त्याग और भक्ति की शक्ति के बारे में सिखाती है। यह कहानी है कि कैसे प्यार सभी बाधाओं को पार कर सकता है और दो आत्माओं को एक ऐसे बंधन में एकजुट कर सकता है जो शाश्वत और अटूट है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेगी आपसे एक और ऐसी नई कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन दबा लें, ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच जाए और आप उसको आसानी से देख सकें। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।